हमीरपुर के राजेंद्रा लोटस पब्लिक स्कूल अनु में मेधावी बच्चों ने स्कूल का नाम रोशन किया और जूडो खेल में छात्रा आकांक्षा ने अव्वल स्थान हासिल करने से स्कूल में खुशी का माहौल बना हुआ है। स्कूल प्रिंसिपल मिसेज रजनीश ठाकुर ने बताया कि स्कूल छात्रा आकांक्षा और निवेदिता सार्थक के प्रयास रंग लाए और इनकी मेहनत के चलते आज स्कूल का नाम रोशन हुआ है। स्कूल प्रिंसिपल मिसेज रजनीश ठाकुर ने बताया कि स्कूल के बच्चों की मेहनत के बलबूते स्कूल का नाम रोशन हुआ है और इसके लिए बच्चों उनका स्टाफ बधाई के पात्र हैं। उन्होंने कहा कि इससे पहले भी स्कूल के बच्चों ने प्रदेश स्तर पर खेलों में भाग लेकर अच्छा प्रदर्शन किया है। आजकल जो जैसे शिक्षा का जो हम स्कूलिंग का हमारा सिस्टम रहता है या हमारा जो क्राइटेरिया रहता है, खासकर हम हमारा मेन जो है बच्चियों के सेल्फ डिफेंस के लिए हमें ये जूडो का जो आप पूछ रहे हैं, हमने हमारा मकसद यही था, मोटिव यही था कि लड़कियों को सेल्फ डिफेंस के लिए तैयार किया जाए ताकि वो कहीं भी आ जा सकें। और इसके लिए हमने ट्यूटर जो है वो दी बेस्ट जो बच्चों के लिए प्रोवाइड करवाए हैं, डिटेल किए हैं। उसके साथ साथ हमारे ये इवन की सिंस बिगनिंग जब से स्कूल चल रहा है तब से ही हमारे पास हमारे स्कूल में इस चीज़ का खास ध्यान रखा जाता है। और एक एशिया के प्रेसिडेंट ने भी स्टार्टिंग कुछ साल पहले यहाँ पे विजिट किया था स्कूल में, इसी चीज़ को लेके हमें उनको विजिटिंग एज ए विजिटिंग कर बुलाया था। तो इसके साथ साथ हमारा मकसद तो यही रहता है कि बच्चियों को जो है गर्ल्स हैं इनको सेल्फ डिपेंडेंट बनाया जाए ताकि वो अपना सेल्फ डिफेंस जो है वो कर सके, कहीं भी जाना हो आना हो, कहीं भी जाती हैं तो उसके लिए उनको सेल्फ डिफेंस जो है इसके लिए प्रिपेयर करना था। तो यही था और अच्छी बात है कि ये बच्ची हमारे इस स्कूल के लिए राजेंद्र लोटस पब्लिक की जो बच्ची है ये बच्ची डिस्ट्रिक्ट लेवल में तो इसने भी अच्छा प्रदर्शन किया है और साथ साथ में स्टेट लेवल पे भी जाके ये अच्छी रैंकिंग लेके आई है, तो बहुत ही अच्छी बात है और मैं चाहती हूँ कि बहुत खुशी की बात है और इसे आगे ही ऐसे ही बच्चियां बढ़ती रहें और हम अपने मकसद में जो है हम जैसे चाहते हैं वैसा बच्चे जो है वर्क करके दिखा रहे हैं। तो इन फ्यूचर हम पूरा ध्यान जो है इसी तरफ बच्चों को जो है, कोई भी बच्ची ऐसी ना रहे कि जिसको हम इस फील्ड में पीछे छोड़ें ताकि बच्ची कहीं भी जो है वो अपना जो कॉन्फिडेंस उसको लूज करे। हमारा मकसद रहता है कि बच्चियां आगे बढ़ें और बच्चों के लिए जीवन क्या आपने देखा होगा कि बेटियों के लिए कितने गवर्नमेंट भी या हर तरह से लोग जो हैं चाहते हैं लेकिन फिर भी बहुत सारी कमियां हम लोगों की वजह से ही रहती हैं। तो हमारा पूरा कॉपरेशन रहेगा और इस फील्ड का यही मकसद है कि बच्चियों को इवन कि हम बॉयज को भी बच्चों को भी लड़कों को भी ये देते हैं, इसका ट्यूटरिंग इसकी रहती है, कोचिंग रहती है, बट लड़कियां आगे आई हैं और उन्होंने स्टेट लेवल तक अपना प्रदर्शन जो है उस बच्ची ने बेहतर किया तो और अच्छी रैंकिंग ली है। इसने तीसरा स्थान जो है हिमाचल में ओपन जो हमारा जूडो का चैंपियनशिप का हुआ था उसमें से बच्ची ने तीसरा रैंक लिया है, तो बहुत हमारे लिए प्राउड की बात है। तो हम करते हैं कि बच्ची आगे जाए और औरों के लिए प्रेरणा बने और बहुत बहुत बधाई हो इस बच्ची के लिए भी और इसी बच्ची से प्रेरणा लेके हमारी और बच्चियां भी आगे आएं और ऐसे ही प्रदर्शन करें और ऐसे ही नाम जो है अपना वो आगे लाए। नहीं थी वो एक डिस्ट्रिक्ट में ही एक बच्चों का एक टेस्ट हुआ था, एक बेसिक सा टेस्ट था उनके साइंस और मैथ्स रिलेटेड। तो हमारे स्कूल की दो एक बेटा है नाइन्थ का, आई मीन सार्थक है उसका नाम और एक निवेदिता है क्लास टेंथ में की बच्ची है। तो उन्होंने वो टेस्ट क्वालिफाई किया था, बहुत सारे अदर सभी इंस्टीट्यूट से बच्चे आए थे, उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, बट ये हमारे स्कूल के दोनों बच्चों ने ये जो टेस्ट क्वालिफाई किया है और चेन्नई में एक अपना जिसे अपना जो रिसर्च वर्क का के बारे में जो था उनको साइंटिस्ट के साथ जो था इंटरनेशनल लेवल के साइंटिस्ट वहाँ आए थे उनके लिए वो बच्चों को सिलेक्शन हुई थी कि उनके कैसे रिसर्च वर्क में आगे बढ़ना है, कैसे आगे जाना है। तो उसके लिए भी ये दो बच्चे हमारे स्कूल से गए थे तो ये भी हमारे लिए बहुत प्राउड की बात है। और ऐसे ही सारे बच्चे हम तो सभी के लिए कुछ न कुछ पूरी कोशिश जो है अपना जो बेस्ट है बच्चों के लिए कर रहे हैं। गेम का श्रेय मैम चेयरमैन मैम को देना चाहूंगी क्योंकि उन्होंने हमें मोटिवेट किया इस गेम के लिए। हमें नर्सरी से इसकी कोचिंग दी जाती थी लेकिन हम इसे इतना लेते थे, हम इसे क्लास की तरह देते थे, फिर अब हम बड़े थे तो मैम ने हमें इसकी तरफ मोटिवेट किया और मैं अभी डिस्ट्रिक्ट लेवल खेल के आई हूँ और साथ में अभी स्टेट लेवल भी खेल के आई हूँ शिमला में। मेरी इसमें थर्ड पोजीशन आई है और मैं इसका सारा श्रेय मैम को देना चाहूंगी
हमारे चेयरमैन मैम है उनको देना चाहूँगी, और मैं इस गेम के लिए अपने फ्रेंड्स को सभी को मोटिवेट करूँगी कि हाँ वो भी इस गेम को खेलें और हमें इसके बारे में सेल्फ डिफेंस के बारे में बताया गया है। और मैं आगे भी नेशनल तक खेलना चाहती हूँ और उसमें भी गोल्ड लाना चाहती हूँ, और इसका सहारा मैं अपने स्कूल की तरफ दूंगी और मैं स्कूल की तरफ से खेलना चाहती हूँ। और अब आगे मैं नेशनल के लिए तैयारी कर रही हूँ। मैं अपने स्कूल का जिंदा लोटस पब्लिक स्कूल चेयरमैन पर्सन और अपने कोच और माता पिता का नाम रोशन करना चाहती हूँ, और मैं स्कूल के लिए गोल्ड लेना चाहती हूँ। राजेंद्रा लोटस पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल के छात्र हैं। मेरा नाम सार्थक है, मैं 9वीं कक्षा का छात्र हूँ, और हमारा साइंस क्यूज के लिए टेस्ट हुआ था, तो हमें नहीं पता था कि हमें क्या क्या आएगा, तो पर हमारे कॉन्सेप्ट इतने क्लियर थे कि हमने बस बहुत इजी लगा पेपर और एकदम कर दिया। फिर जनरली हमें कॉल आई थी कि आप उधर सिलेक्टेड है, हम तो तब इतने खुश हुए थे, बस कोई हमारा एक छोटा सा मतलब क्यूज कंपटीशन टाइप हुआ था, तो उस क्यूज कंपटीशन में मतलब ये देखा जा रहा था कि कितने बच्चे कितनी फास्ट आंसर्स दे रहे हैं और कितने ज्यादा आंसर्स दे रहे हैं, तो उस वजह से वो हमारा टेस्ट क्लियर हो रहा था। हमें इतना पता भी नहीं था कि हो गया टेस्ट क्लियर, पर हमें थोड़े टाइम बाद हमें कॉल आई थी मैम की, जिन्होंने हमारा क्विज कंपटीशन लिया था, तो उन्होंने हमें बताया कि आपका टेस्ट जो है वो क्वालिफाई हुआ है और आप चेन्नई जाने के लिए सिलेक्टेड हुए हैं। फिर हमारी 10 अक्टूबर को हमने वहाँ से जाना, 9 अक्टूबर को गए थे, चल पड़े थे हम यहाँ से, और हमारी 10 की ट्रेन थी, तो फिर हम जब चेन्नई गए तो हमने वहाँ के साइंटिस्ट से वार्तालाप बात की, शिप उनके ऑटोग्राफ लिए थे, हम शिप पे गए थे, हमने प्लानिटेरियम देखा था, मतलब बहुत मजा आया था, वहाँ के कल्चर ट्रेडिशन वहाँ के लोग उनकी भाषा सब कुछ, मतलब जैसा हिमाचल है उससे तो बहुत ज्यादा अलग है चेन्नई, मतलब वहाँ की टेक्नोलॉजी वहाँ की इंजीनियरिंग। हम बीच पे गए थे, मरीना बीच, द बिगेस्ट बीच ऑफ इंडिया एंड सेकंड बिगेस्ट बीच ऑफ वर्ल्ड, और बहुत अच्छा लगा हमें वहाँ जाकर। और फिर हमने वहाँ पर एक्सपेरिमेंट्स भी किए, साइंटिस्ट ने हमसे बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट कराया कि हमें पिंग पोंग बॉल बनाना सिखाया कि वो कैसे बनती है, फिर टूथपेस्ट बनाना बताया वो कैसे बनती है, एलिफेंट और पेस्ट बनाना बताया, और फिर हमने खुद एक्सपेरिमेंट्स किए थे। फिर हम 16 अक्टूबर को वहाँ से निकल गए, वापस आए, हमारा सफर भी बहुत अच्छी तरह से वेलकम किया, प्रिंसिपल मैम, ऑनरेबल एम टीम, एम डी मैम और सभी टीचर्स, हमारे स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छी तरह हमारा वेलकम किया, हमसे पूछा, हमने उन्हें बताया कि हमने वहाँ क्या क्या किया, क्या देखा, हमारा कैसा जर्नी हमारी कैसी रही, हमें बहुत मजा आया, हमने उन्हें थोड़ी बहुत साइंस के बारे में बताया जो हमने वहाँ सीखा, हमने अपने फ्रेंड्स और हमारे टीचर्स को भी बताया।